जय श्री राम। देश में कथाकारों की कमी नहीं है, लंबी फहरिस्त है। तमाम सारे संतों की भी एक लंबी श्रृंखला है जो अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को सही दिशा देने का काम करते हैं, ज्ञानोपार्जन करते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो बिरले हैं, जो अनोखे काम करते हैं, और उन्हीं संतों में से एक मुरारी बापू हैं। मुरारी बापू कभी गणिकाओं के लिए कथा करते हैं, कभी किन्नरों के लिए कथा करते हैं, कभी युवान के लिए कथा करते हैं, कभी संवाद पर बात करते हैं। तमाम सारे मुद्दे होते हैं। कभी वे लेह लद्दाख में जाकर कविता करते हैं, तो कभी केदारनाथ में करते हैं, तो कभी विश्व के कई अन्य देशों में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के शेख के परिवार के लोग उनकी पोथी को सिर पर रख कर कथा स्थल पर जाते हैं। उनका सम्मान पूरे विश्व में सभी जगहों पर काफ़ी है। गणिकाओं के लिए उन्होंने कथा करने के लिए मुंबई के कमाठीपुरा इलाके का दौरा किया था। वहाँ जाकर उन्होंने आमंत्रित किया था अपनी कथा में आने के लिए। कई सारी गणिकाएं वहाँ पर आई और उन गणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए। कभी वे शमशान में शादी करवाते हैं, तो कभी मुस्लिम दंपति को हज यात्रा पर भेजते हैं, कभी किन्नरों तो कभी गणिकाओं के बीच राम कथा का पाठ करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की। आमतौर पर कथा वाचकों को बड़े बड़े पांडालों में गीता, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते हुए देखा होगा, लेकिन मुरारी बापू अपनी कथा के माध्यम से सामाजिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में इसकी एक और मिसाल देते हुए बापू ने दो गणिकाओं का विवाह संपन्न कराया। मुरारी बापू अपनी कथा के माध्यम से सामाजिक चेतना जगा रहे हैं। वे समाज की हर बुराई के खिलाफ लोगों की चेतना को जागृत कर रहे हैं। बापू न सिर्फ कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि सामाजिक समरसता के लिए सभी धर्मों के बीच कथा पाठ कर रहे हैं। गणिकाओं के बीच राम कथा का पाठ करने के बाद बापू ने मुंबई के कमाठीपुरा की दो गणिकाओं का विवाह करवाया। इन गणिकाओं का विवाह गुजरात के भावन नगर स्थित मुरारी बापू के आश्रम पर संपन्न हुआ। दरअसल दिसंबर 2018 में बापू ने मुंबई के कमाठीपुरा में गणिकाओं को राम कथा सुनाई थी। इस दौरान उन्होंने गणिकाओं का जीवन काफी करीब से देखा और उनके जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। इसके चलते बापू ने गणिकाओं के उत्थान के लिए उनसे जुड़े विभिन्न एनजीओ को करीब 2.5 करोड़ रुपए दान दिए थे। वहीं अब गणिकाओं के विवाह का भी बीड़ा उठाया। गणिकाओं के विवाह के दौरान बापू ने कन्यादान भी किया। वहीं गणिकाओं से शादी करने वाले दूल्हों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन लड़कों ने सामाजिक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। बता दें कि मुंबई के कमाठीपुरा में हजारों की संख्या में गणिकाएं हैं जो जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो अपनी राम कथा के माध्यम से लोगों को सही दिशा देने का काम मुरारी बापू कर रहे हैं। वाराणसी में मानस मसान पर उन्होंने कथा कही थी और वो कथा शमशान घाट में हुई थी। वहां भी हमें जाने का अवसर मिला था। बिरले संत हैं जो अपनी कथा के माध्यम से विभिन्न विषयों को छूते हैं, और वे जो विषय छूते हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों के दैनिक जीवन की बातें होती हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। बहरहाल ऐसे संतों की इस सृष्टि को ज़रूरत है, जो संत लोगों को आंदोलित करते हैं, लोगों को सही दिशाने का काम करते हैं। जय श्री राम।